हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? तो आज का ये व्लॉग मेरा शाम के टाइम में शुरू कर रही हूँ। सो गाइस, ये देखिए, ये डैडी जी आज केले तोड़ के लाए हैं हमारे पीछे। घर के पीछे हमने बेल लगाई हुई है, उसमें से ये करेले निकले हैं। और दूसरी तरफ ये देखिए, ये बैंगन भी हमने लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये बैंगन भी डैडी जी अभी तोड़ के लाए हैं। तो आज शाम के टाइम हम बैंगन की सब्जी बनाएंगे। ये देखिए, ये कितना बड़ा बैंगन है। कुछ बैंगन है जो ख़राब भी हो जा रहे हैं। ये देखिए, जैसे ये लगाओ, ये कीड़ा लग जा रहे हैं। तभी डैडी जी ने ये छोटे छोटे ही तोड़ लिए है। लगा हुआ है जिमीकंद का, ये जिमीकंद लगाया हुआ है डैडी जी ने। ये देखो, हमने फर्स्ट टाइम अपने घर में लगाया है। इसका सिर्फ तीन या चार ही पेड़ है, पेड़ नहीं बोल सकते। था तो ये नीचे यहाँ पे लगा होता, लेकिन ये इतना बड़ा हो गया, हमें नहीं पता कि ऐसे होता है, लेकिन ये ऐसे निकल गया है। ये देखिए, बैंगन अभी लगे हुए हैं, लेकिन ये छोटे छोटे हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे, एक मिनट, हाँ ये देखिए, जब ये बड़े हो जाएंगे तब इनको तोड़ेंगे। अभी ये छोटे हैं, जो बड़े थे वो डैडी जी ने तोड़ लिए हैं। ये देखिए, अरबी के पत्ते कितने बड़े हो गए हैं। सो इस साइड में आपको ले चलती हूँ। ये देखिए, मौसम्मी का पेड़ लगा हुआ है, जिसमें बहुत सारी मौसम्मी लगी हुई हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी मौसम्मी नीचे भी गिरी है, टूट के नीचे गिरती जा रही हैं, जो ख़राब हो रही हैं। सो उसके नीचे ये थोड़ी सी हल्दी लगाई हुई है। ये देखिए, इधर भी थोड़ी सी हल्दी लगी हुई है, और साथ में इधर भी अरबी के पत्ते लगे हुए हैं। और इस साइड लीची का पेड़ है। इस बार हमारे लीची के पेड़ में बहुत सारी लीची लगी हुई थी। और ये भी एक लीची का पेड़ है, देखिए कितना बड़ा पेड़ है। जैसे आम का पेड़ होता है, वैसे ये लीची का पेड़ होता है। सो ये छोटी सी, ये देखिए मिर्चें लगी हुई हैं, मिर्चों का पेड़। वो देखिए, वो दो पेड़ और जिमीकंद के तीन लगे हुए हैं। वो साथ में एक वो है, एक वो है, एक वो है। ये तीन पेड़ और जिमीकंद के लगे हुए हैं। ये जिमीकंद की सब्जी सर्दियों में खाते हैं इसको। सो ये सारी लाइन, पूरी लाइन के मिर्चों के पेड़ लगाए हुए हैं, लेकिन अभी तक इसको मिर्चें लगनी स्टार्ट नहीं हुई है। तो इसके पीछे देखते हैं, चलिए इसके पीछे देखें। ये देखिए, ये मक्की लगी हुई है, लेकिन जो इसमें मक्की थी वो तो सारी निकाल ली है। अब इसके वो गाय और भैंस के लिए कि चारा ही रह चुका है। ये देखिए, धीरे धीरे हम इसको काट रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से जैसे काट ली गई है, थोड़ी थोड़ी करके काट रही है, और फिर हम पशुओं को, भैंस और गाय को डाल रहे हैं। सो इधर देखिए, ये हमारे खेत आ गए हैं, धान के खेत में। वो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा, वो केले लगे हुए हैं। ये आम का पेड़ लगा है, ये आम का जो पेड़ है, इसके आम अभी फिनिश हुए हैं, लेकिन जो एक दो आम हमारे घर में पड़ा भी है। वो पीछे केले के पेड़ लगे हुए हैं। तो ये देखिए, ये हमारी मोटर है। आज मौसम बहुत अच्छा है, पूरा दिन आज बादल ही रहे हैं। गर्मी थोड़ी सी कम है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। बारिश हो जाती तो थोड़ा अच्छा हो जाता मौसम, और लेकिन बारिश नहीं हुई है। तो ये देखिए, अमरूद का पेड़, कितना बड़ा अमरूद का पेड़ है। सो हम अब आपको ले चलते हैं अपने
घर में जो हमने गाय और भैंस रखी हैं आपको वो दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी भैंस है, इस साइड इसको बांधा हुआ है, वो दूसरी साइड देखिए, ये हमारी गाय है। और गाय के लिए तो बहुत अच्छा धूप में बचने के लिए डाला हुआ है। आज धूप नहीं थी लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे ऐसे जैसे हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ रही है। पापा जी ने, डैडी जी ने जो करेले तोड़ के मैंने आपको दिखाए थे, अंदर किचन में मैंने दिखाए थे करेले रखे हुए, डैडी जी यहाँ से, ये करेले की बेल है, यहाँ से करेले तोड़ के लेके गए थे। एक एक दो दो करके करेले निकल जाते हैं, तो दो तीन दिन के बाद हमारी एक सब्जी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए तोरी की बेल कहाँ तक पहुँच चुकी है, वो ऊपर अमरूद के पेड़ तक पहुँच चुकी है तोरी की बेल, आप देख सकते हो। सब हमारी गाय का भी खाने का टाइम हो चुका है, ये भी देख रही है हमें कोई घास डाले। सो ये हमने लकड़ी रखी हुई है जो हमें चूल्हे में जलाते हैं, ये लकड़ी रखी हुई है, ये छोटी छोटी लकड़ी है, देख सकते हो। और ये बड़ी लकड़ी रखी हुई है, ये हमारे अनार का पेड़ है लेकिन अभी इसमें सारे अनार ख़त्म हो चुके हैं, एक आधा लगा हुआ है। हाँ ये देखिए, ये लगे हैं लेकिन ये भी ख़राब हो चुके हैं। ये देखिए मिर्चों के पेड़, लेकिन अभी तक इसको कुछ भी नहीं लगा, इतने इतने बड़े हो चुके हैं। ये देखिए मक्की, ये देखिए ये खीरे की बेल लगी है, खीरे की बेल लगी हुई है, इसको फूल तो पड़ा हुआ है लेकिन मुझे नहीं लगता इसको अभी तक कोई खीरा नहीं लगा, लेकिन ये देखिए इसको फूल पड़ा हुआ है, शायद लग जाए इसको खीरे। ये देखिए ये भिंडी, एक भिंडी लगी हुई है, इसको तोड़ लेते हैं हम, सब्जी बनाने के काम आएगी। ये देखिए एक आगे लगी हुई है, अब ये देखिए इसको भी तोड़ लेते हैं हम, लेकिन ये पक चुकी है, हाँ ये पक चुकी है, इसको रहने देते हैं। खीरे की बेल को फूल तो बहुत ज़्यादा पड़ा है लेकिन अभी तक खीरा लगना कोई स्टार्ट नहीं हुआ। उसको देखिए तोरी लग रही है धीरे धीरे, और ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन इस साइड की तोरी ख़राब होती जा रही है क्योंकि यहाँ पे हम गोबर फेंकते हैं, तो मच्छरों के कारण हमारे जो अनार का पेड़ है उसमें अनार लगे हुए वो भी इसी मच्छरों के कारण ही सारे ख़राब हो गए हैं। तो ये तोरी भी थोड़ी कमी मिलती है, नहीं तो इसी ख़राब हो जाती है। ये देखिए ये वो ऊपर भी तोरी लगी हुई है। ये देखिए ये एक नींबू का पेड़ लगाया हुआ है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो चुका है लेकिन अभी तक इसको लगा कुछ भी नहीं है। देखिए सो ये एक चीकू का पेड़ लगाया, ये तो अभी लगाया, इसको एक साल हो चुका है, एक साल हो चुका है लेकिन ये अभी लगा है। ये देखिए ये पुदीना लगा हुआ है, लेकिन ये भी सूख रहा है, शायद इसको पानी नहीं पड़ रहा है इसलिए सूख रहा है, या गर्मी के कारण, धूप के कारण, धूप बहुत तेज होती है उसके कारण शायद सूख रहा है ये। सो गाइस आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, तो फिर कल मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तो गाइस बाय बाय।